हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दिस इज चंद्रमौल इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव बीन वाचिंग मी सिंस सम डेज। वी आर टॉकिंग अबाउट मैड ओवर मैप्स, जिसमें हमने काफी कुछ देख रखा है एंड आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ मैड ओवर मैप्स। अभी तक आपको काफी बता दिया गया था और काफी लोगों का रिप्लाई भी आया कि दे हैड सम स्टेट एग्जामिनेशन और कुछ एग्जाम वो दे रहे थे जिसमें थोड़ा उनको लगा कि मदद मिली है। सो आई वुड रियली बी ऑनर्ड इफ दिस इज हैपनिंग। तो बहुत अच्छे से आप इसको करते रहिए। एजुकेटर्स ऑल ओवर यू नो दे आर ट्राइंग टू गिव यू लॉट मेनी थिंग्स सो दैट यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन सून। आई होप इट्स ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एंड अ वेरी गुड ऑफर हैज जस्ट कम बाय नो, सो एनीवन आउट देयर हु नीड्स प्लस कॉम्बो, जिसको भी लेना है अभी ले लीजिए। बहुत अच्छा अभी प्राइस चल रहा है, 20% ऑफ सीधा मिलेगा, पर एक कोड आपको डालना पड़ेगा, वो है CMC। आप जैसे ही CMC कोड डालेंगे आपको मिलेगा 20% ऑफ और मिल जाएगा आपको 3 months ऑफ एक्सटेंशन। इसके साथ ही आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर योर मेंटरिंग पार्ट। इससे और अगर आप चाहते हैं कि एकदम डायरेक्ट मेंटरिंग में आप जाना चाहते हैं हमारे, तो मेंटरिंग में आपको सिर्फ पैसिव मेंटरिंग नहीं है कि आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। यस आई डिस्टर्ब यू, आई विल हैव एक्टिव मेंटरिंग बीइंग डन और उसमें हम आपको करेंगे 7 days ऑफ स्टॉक टेकिंग प्लस आई डू योर स्ट्रैटेजी मेकिंग फॉर एवरी वीक एंड आई गिव यू लॉट ऑफ नोट्स एंड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो ये सब आपको मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेते हैं तो। CMC कोड पे बहुत अच्छा भी ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं। एंड लाइव सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है दैट इज योर टेस्ट ओनली, 28 टेस्ट इन 3149, 56 टेस्ट इन 4409। CMC फिर से कोड है जो आपको यूज करना पड़ेगा। एंड यू कैन सी द लास्ट माइल प्रोग्राम, जिनका भी इस बार इंटरव्यू कॉल आ चुका है वो इस प्रोग्राम में जरूर भाग ले लेंगे। उनको मिलेगा एक ट्रेनिंग सेशन सो दैट दे कैन मोल्ड देयर ओन पर्सनालिटी और जिस हिसाब से वहां बैठना है बोर्ड में कैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब यहां पे आएगा। दिस इज योर लास्ट माइल प्रोग्राम एंड यू डोंट हैव टू पे एवरीथिंग एडवांस, आप आराम से EMI से करा सकते हैं। अप्रूवल इन 2 hours वुड बी डन, 0% इंटरेस्ट एंड नो प्रोसेसिंग फीस देयर। मैड और मैप्स का 55th सेशन है, 55वां सेशन है, आइए। और कल होगा हमारा अब तक 56वां सेशन। सो दिस इज टेलीग्राम चैनल चंद्रमौली सर फॉर UPSC, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा and you will have a lot of updates coming up here. चलिए चालू करने से पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। आप वेरी पॉजिटिव थिंग दैट इज काल पचति भूतानी काल संगर्ति प्रजा, कहने का मतलब है कि काल ये समय जो है ना, टाइम जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही आपकी जो राजा भी होते हैं उनकी प्रजा को भी शायद ये हटा सकता है, खत्म कर सकता है या फिर आपको राजा बना सकता है। काल पचति भूतानी, पास्ट को ये पूरा इट इज इनगल्फिंग द पास्ट। तो आप याद रखिएगा आप जो भी कर रहे हैं ये सब समय के दौरान है। आज अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं तो आप जरूर कल को आगे बढ़ जाएंगे दूसरे लोगों से। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए आज कुछ महत्वपूर्ण चीज हम करने जा रहे हैं एंड दैट विल बी अबाउट सम बायोस्फीयर रिजर्व्स। एज द क्वेश्चंस हैव कम आई जस्ट वांट टू शो यू अ ग्लिम्प्स ऑफ हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग और हम इसको थोड़ा दिन तक करते रहेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे पास जो भी है उसमें से कुछ जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का है उसमें निर्धारित कर दिए गए, टैग कर दिए गए एंड दीज आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नाउ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपके सामने मौजूद है इस समय, उसका नाम है सिमिलीपाल, इसके बहुत सारा नाम लिखा रहता है, सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कहां है आप सब लोग को पता है, कहां है आप सब लोग को पता है, इट इज इन उड़ीसा। अब अगर आप गौर से देखेंगे उड़ीसा के मैप को तो आप ऊपर से वेस्ट बंगाल से जैसे नीचे आएंगे आपको मिलता चला जाएगा गड़जाट हिल्स। आप गड़जाट हिल्स से थोड़ा सा आइए और आपको मिल जाएगा दिस इज योर मयूरभंज और आपको यही मिल जाएगा अपना सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत बड़ा जब एरिया हो जाता है तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व कैन हैव विदिन इट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, सब कुछ उसके अंदर हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा टर्म है। बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का मकसद यह था कि वी कैन टेल टू द पीपल दैट यस वी कैन हैव द फौना फ्लोरा अलोंग विद द ह्यूमन बीइंग्स दैट कैन लिव साइड बाय साइड। इसके लिए कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन भी बनाए गए थे। कोर में आपका एक्टिविटीज अलाइन होगा, कोर रखा जाता है सिर्फ आपके एनिमल्स के लिए, बफर में देन देयर पीपल कैन हैव सम एक्टिविटीज बीइंग डन और ट्रांजिशन में लोग रहते हैं। सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको पता है, इसको देख लेते हैं। 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। एशिया 2nd लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व और अगर आप देखेंगे मयूरभंज में है ये। अब इसका क्वेश्चन जो बनेगा, आई एम फाइन आई होप द सेम फॉर यू। आपसे अगर प्रश्न आता, देखिएगा प्रीलिम्स का प्रश्न, डायरेक्ट बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सिमिलीपाल पूछ लेगा व्हाट ऑल एरियाज कॉन्स्टिट्यूट सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल क्वेश्चन आएगा, नीलगिरी का आया था इस बार, आई प्रिडिक्टेड दिस लास्ट टू लास्ट ईयर, हमने प्रिडिक्ट किया था आएगा। देखिए कुछ ना कुछ से रिलेटेड आया। आई एम अगेन सेइंग
क्वेश्चंस घूम फिर के वही आने हैं। सिमलीपाल मयूरभंज में है, आपका क्या क्या एरिया उसमें हो सकता है देखिएगा। पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो नाम आपको मिल रहा है तो आप आराम से मान लेंगे। अच्छा, दूसरा है हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नॉर्मल डेज में नॉट एनी वन ऑफ अस आर गोइंग और मे बी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन एरिया उसके अंदर आ सकता है, ये पर प्रश्न है, दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन कम। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वुड बी द इजिएस्ट फॉर यू, याद रखिएगा हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये सिमलीपाल आप देखेंगे तो आपका मयूरभंज, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, तो ये भी लगभग आप बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इसी का पार्ट आपको पड़ेगा। प्रश्न डायरेक्ट यहीं से आप लिखते चलिएगा, पेन से लिखते चलिएगा, कृपा करके मैडो और मैप्स के माध्यम से आपको बहुत चीजें दी जा रही है, इसको लिखते चलिएगा। सिमलीपाल, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी आपको यहीं में मिल जाएगा। दो चीज आपने देख ली है। एक और प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो यहां से आसपास गुजरती होगी, क्या अगर हम आपको हटा लें अब आप बता पाएंगे कौन सी नदी है जो निकलती होगी, बताइए जरा हम भी देखें। सिमलीपाल के आसपास कौन सी नदी निकलती होगी बताइए, वो आपको पता है कहां कंफ्यूज करेंगे, महानदी, लीजिए महानदी दे देंगे वो, बताइए सही होगा कि नहीं, महानदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी का स्वागत है फिर से। क्या महानदी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से निकलती है, हाँ या ना? महानदी क्या निकलती है बताइए, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। लोग अक्सर महानदी देख के ठहर जाएंगे कि यूपीएससी पूछी है तो हो सकता है कहीं ना कहीं महानदी इसका आंसर हो, लोग रुक जाएंगे। अनियमा जी हाँ, कल नहीं हो पाया था, चलेगा पर डेली चलेगा, याद रखिएगा, वेरी इजी, महानदी आपको नहीं वहां पे मिलने वाली। अब महानदी का ओरिएंटेशन, महानदी अभी नीचे है, महानदी रिवर अभी बहुत नीचे है। आप अपने वेस्ट बंगाल से जब आ रहे होते हैं तो कुछ रिवर्स को आप छोड़ के आएंगे, फॉर एग्जाम्पल वंशधारा, आप वंशधारा को छोड़ के आए हैं और अब आए हैं आप एक रिवर पे जिसका नाम है बुद्धल बलंगा या बुढ़ल बलंगा। बुढ़ल बलंगा रिवर हमने आपसे बात की थी मैड ओवर मैप्स में, हम आपसे फिर बात करते हैं। बुढ़ल बलंगा इज वन सच रिवर दैट इज देयर इन दिस रिजर्व, बुढ़ल बलंगा। तो प्रश्न वो आएगा, अब वो क्या करेंगे, दे विल गिव यू आइडेंटिफाई द बायोस्फीयर रिजर्व, बुढ़ल बलंगा पासेस थ्रू इट, और लिख देंगे काहिरी रिवर पासेस थ्रू इट। अब ये सब हमें नाम याद नहीं होगा, पर बुढ़ल बलंगा हमने आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है उसको सही से, बुढ़ल बलंगा याद रखिएगा। और एक दो नाम देख लीजिए, आपको याद नहीं होने वाला फिर भी देख लीजिए, पलपाला, बंदन, सलंदी, काहिरी, देव, ये सब है, कोई बात नहीं, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस बुढ़ल बलंगा याद रखिएगा। पर नेगेटिव लिस्ट देख लीजिएगा, महानदी अभी और नीचे है, सिमलीपाल ऊपर है, महानदी और नीचे है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब वो पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं कि क्या कोई, या हो सकता है वो दे दें आपको, देर आर सम इंपॉर्टेंट ब्यूटिफुल वॉटरफॉल्स हियर। तो हमें अक्सर हम इन सब चीजों को मिस कर देते हैं, अगर वो दे देंगे मान लीजिए 12 पानी इसको कहा जाता है कि 12 पानी फॉल है, कहां है, अब जिसको पता होगा वो मार्क कर देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं मार्क कर सकता। तो आप लिख लीजिएगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में दो आपके मिलते हैं, एक है जोरंडा और एक मिलते हैं 12 पानी फॉल्स, जोरंडा और 12 पानी फॉल्स, ये दो मिलते हैं आपके इसी एरिया में, आप देख सकते हैं जोरंडा और 12 पानी फॉल्स, और इसी के पास आप देख सकते हैं कुछ गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं, तो कभी जाइएगा तो आराम कर लीजिएगा। जोरंडा और 12 पानी फॉल्स, दो नाम याद रखिएगा, 12 पानी और जोरंडा। तो 12 पानी आप याद रख सकते हैं, 12 पानी कहां मिलेगा, हमें मिल सकता है अपना सिमलीपाल में, हो गया याद, हो ही जाएगा। अच्छा, ये न्यूज में भी बहुत दिन से चल रहा था, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि 2021 में फॉरेस्ट फायर, जब बहुत इशू आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सिमलीपाल में बहुत एक भयंकर एक फॉरेस्ट फायर या फायर लग गई थी फॉरेस्ट में। So that means these are also the forests that are vulnerable to forest fires. यहां पे भी फायर लग सकती है इन पेड़ों में, क्योंकि हो सकता है ये ड्राई डेसीडुअस का पार्ट हो, इसीलिए हो सकता है कि यहां पे आग भी लग सकती है। सिमलीपाल जो नाम आया है वो नाम आया है एक पेड़ से जिसका नाम है सिमुल। सिमुल क्या है, रेड सिल्क कॉटन ट्रीज,
सिमुल है, रेड सिल्क कॉटन ट्रीज। तो आप जब इसका पूरा टोपोग्राफी दूर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ रेड रेड कलर का मुझे दूर से दिखता है, ये सिमुल पेड़ है। सिमुल से आपको मिलता है रेड सिल्क कॉटन ट्रीज। आइए एक और चीज हम आपको बताएं, दिस बायोस्फीयर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट जोन ऑफ साल इन इंडिया। साल इज योर, देखिए जो आपको ड्राई डेसिडुअस में भी मिलता है और लगभग आपको थोड़ा बहुत मॉइस्ट डेसिडुअस में भी मिलता है, तो साल आपका लगभग हर जगह मिल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा था जिसका हमें वाकई में हमने ढूंढा और हमें मिला, देखिए क्या है। पर ये प्रश्न जब आने की बात होती है ना तो ये लोग एंडेमिक सिटी आपकी ढूंढते हैं, विच ऑफ द स्पीशीज आर एंडेमिक, ये पूछते हैं लोग। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें मिला कि एक पैराडॉक्सस जोरांडेंसिस है। क्या है मिला ही नहीं, आई जस्ट फाउंड आउट एवरी, गूगल किया कुछ किया पर हमें मिला नहीं। पर अभी के लिए आप इसको लिखिएगा कहीं पे कि पैराडॉक्सस जोरांडेंसिस है, ये एक एंडेमिक फौना स्पीशीज है इस एरिया का, पैराडॉक्सस जोरांडेंसिस। तो पैराडॉक्स करके याद रखिएगा कि वन पैराडॉक्स स्पीशीज देयर दैट इज एंडेमिक टू सिमलीपाल, पैराडॉक्सस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पैराडॉक्सस इज एक्चुअली समवॉट एंडेमिक टू योर दिस सिमलीपाल, इतना आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एलिफेंट भी आपको मिल ही रहे, आपके बंगाल टाइगर भी यहां मिल ही जाएंगे, तो सिमलीपाल लगभग आपका समझ रहे बंगाल के पास है, तो एलिफेंट रिजर्व भी है आपका यहां पे, बंगाल टाइगर्स भी ऊपर दिख जाते हैं, बिल्कुल एक बढ़िया सा नाम है जो आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। हाँ, लार्जेस्ट जोन ऑफ साल इन इंडिया, ये प्रश्न बन सकता है यहां पे, आपको आइडेंटिफाई करने दे देंगे कि क्या है, कहां पे है, तो ये होगा हमारा सिमलीपाल। याद हो गया सबको, चलिए मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिया है, आगे चलते हैं। स्वागत है आप सभी का नौकरेक बायोस्फेयर रिजर्व में। क्या नौकरेक बायोस्फेयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम में जो यूनेस्को जिसको टैग देता है, क्या ये उसके अंतर्गत आया है या नहीं आया है, ये प्रश्न आपके सामने है। विल दिस नौकरेक बायोस्फेयर रिजर्व बी टैग्ड एज अ बायोस्फेयर रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मैप प्रोग्राम, ये सुनो, ये सुनो, कौन बताएगा? देखिएगा रात में आज स्पेशल क्लास है, रात में 10 बजे भी है, 11 बजे भी, तो आप लोग रहिएगा, विल डू सम स्पेशल क्लासेस ऑफ मोस्ट प्रोबेबल सीरीज और करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये दोनों ही चलेगा। बताइएगा डू वी हैव अंश जी का कहना है यस, बाकी लोगों का क्या कहना है, बाकी लोग अभी ढूंढ रहे हैं, हमने आपको बताया है, लिखाया है, आप लिख नहीं रहे चीजों को, आप लिख नहीं रहे तो रिवाइज कहां से करेंगे? अगर आप हमारे नोट्स पर डिपेंडेंट है तो हम थोड़ा रुक के ही देने वाले हैं। बताइएगा वेयर डू वी हैव दिस, क्या ये यूनेस्को द्वारा मैप में है या नहीं है, इतना बता दीजिए, हाँ या ना। बस अंश जी ने यस बोला है, बाकी लोग को अभी आइडिया ही नहीं है सर क्या पूछ रहे हैं, नहीं पता, किसी को नहीं पता है क्या? आइए, 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नौकरेक है, सिमलीपाल अभी आपने किया, नौकरेक आप देख रहे हैं, सिमलीपाल अभी आपने देखा, नौकरेक आप देख रहे हैं, देखिएगा सिमलीपाल भी था, नौकरेक भी था, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, इसको कहा था MAB प्रोग्राम, ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप एक बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनल अवेयरनेस के लिए टैग कर देते हैं ताकि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हो सके, कुछ उसमें चीजें की जा सके। तो देख लीजिए, नौकरेक आप देख रहे हैं, ये भी है, सिमलीपाल आप देख चुके हैं, ये भी है, ये भी है। आइए, स्वागत है आपका नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में, कहां लोकेटेड है ये देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, स्टेट तो आपको पता होगा, स्टेट में कोई डाउट आप लोग को? नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व नागालैंड में है, जल्दी बता दीजिए, हाँ या ना, इट इज इन नागालैंड, हाँ या ना, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व नागालैंड में है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है ना। अच्छा, अंश जी का कहना है मेघालय, मेघालय में है, दीपा जी का कहना है मेघालय, मोहम्मद जी का कहना है नो, एकदम याद रखिएगा, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मेघालय, मेघालय। और अब कुछ चीजें इसकी याद रखिएगा, ऑन द टूरा रेंज। अब टूरा रेंज क्या है अभी हम आपको बता देंगे, मेघालय प्लेट्यू पार्ट है, हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट है मेघालय प्लेट्यू, जो कि तीन अगर देखिए तो पार्ट से बटा हुआ है, गारो खासी जयंतिया। और आप अगर देखेंगे तो नौकरेक आपको गारो हिल्स पे दिख जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, गारो खासी जयंतिया वेस्ट टू ईस्ट लगा हुआ है, तो गारो पे ही आपका टूरा रेंज है, वहां पे आपको दिख जाएगा नौकरेक।
दूसरा चीज इसका याद रखिएगा, क्या कोई रिवर है जो आपको याद रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, एक रिवर याद रखिएगा, बाकी तो आप नहीं रख पाएंगे, सिमसांग रिवर। सिमसांग रिवर, गानोल डारेंग आपको याद नहीं हो पाएगा, पर सिमसांग आप याद रखिएगा। सिमसांग इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉर दिस पार्ट, सिमसांग रिवर, एंड इट ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थ ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। आप बस इतना याद रखेंगे, बहुत है। सिमसांग रिवर, सिमसांग रिवर इज वन सच रिवर दैट इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नोक्रेक। नोक्रेक से निकल के आ रही है सिमसांग रिवर। कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, आपसे निवेदन है इसको लिख लीजिए। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो यहां वही सीरियस चीज की जा रही है, आप लिख लीजिए, यही क्वेश्चन बनता है। वो सीधे आपसे पूछेंगे आइडेंटिफाई द रिजर्व, वो पूछ लेंगे टूरा रेंज है, टूरा रेंज है, सिमसांग रिवर है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि कौन सा सर ने पूछ लिया है, कौन सा यूपीएससी ने पूछ लिया। टूरा रेंज पे सिमसांग रिवर है, आइए आपको दिखाते हैं। प्लीज सी दिस पार्ट, एज यू कैन सी दो पूरा देखिएगा, ईस्ट गारो, साउथ गारो, वेस्ट गारो, ये पूरा हमारा गारो हिल्स का ही लोकेटेड, ट्राई जंक्शन आप देख सकते हैं गारो हिल्स का, वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट गारो और साउथ गारो का बीच का एकदम पार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नोक्रेक, आपको दिख जाएगा नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंतर्गत आता है नोक्रेक नेशनल पार्क भी। तो नोक्रेक नेशनल पार्क भी इसी के अंतर्गत आएगा, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपके सामने सीधा प्रश्न है कि क्या बलफक्रम नेशनल पार्क कहीं इसी में तो नहीं आता, क्या बलफक्रम नेशनल पार्क कहीं इसी में तो नहीं आता, हां या ना जवाब दीजिए, हां या ना, आपको क्या लगता है, हां या ना, बलफक्रम नेशनल पार्क है क्या वो इसी में आता है या वो कहीं और है, या वो कहीं और है, बताइएगा। हम आपको ओरिएंटेशन दे चुके हैं चीजों को याद रखने का, अगर आपको याद हो चुका है तो बहुत बढ़िया, नेशनल पार्क का हमने आपको एक ओरिएंटेशन दिया है, हमने आपको बताया था मोका नामेरी इंटंकी। आप और नीचे आते हैं ब्लू माउंटेन और आप चले आते हैं क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन राजबरी। मोका से आप नीचे आते हैं तो नोक्रेक और बलफक्रम पे आते थे, याद रखिएगा बलफक्रम नेशनल पार्क इज नॉट हियर। थोड़ा सा और इधर आप बढ़ेंगे तब आपको मिलता है बलफक्रम नेशनल पार्क। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसको याद रखिएगा, बलफक्रम अलग है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, नोक्रेक अलग है, इसका पार्ट नहीं है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व अलग है, बलफक्रम नेशनल पार्क इसका पार्ट नहीं है, इसको याद रखिएगा। बलफक्रम नेशनल पार्क इज देयर बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। और ईस्ट में जब आप बढ़ेंगे नोक्रेक से तब आप पहुंचते हैं अपने बलफक्रम में, और हां खसी हिल्स इसमें आ जाएंगी तो बलफक्रम में है ये, याद रखिएगा खसी हिल्स बलफक्रम। चलिए कुछ चीजें आपकी साफ साफ क्लियर हो चुकी हैं कि आपको कंफ्यूजन अगर होगा अब मैड और मैप्स के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज और देखिए, अगर अब प्रश्न आता है कि एंडेमिक स्पीशीज ढूंढनी है, एंडेमिक बहुत ढूंढ के निकाली गई है, देख लीजिएगा। अगर पूछते हैं जायंट फ्लाइंग स्क्विरल तुरंत मार दीजिएगा नोक्रेक। आपसे देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, हम आपको दिखाएं, देखिएगा आइडेंटिफाई द बायोस्फीयर रिजर्व, वो ऐसे पूछेंगे आपसे आइडेंटिफाई द बायोस्फीयर रिजर्व, सिमसांग रिवर ओरिजिनेट्स, दूसरा पूछ लेंगे जायंट फ्लाइंग स्क्विरल इज एंडेमिक। अब आपको बहुत सारा नाम दे देंगे, आपको बस क्या मार्क करके आना है, आप मार्क करके आएंगे, क्या मार्क करके आएंगे बताइएगा, मानस, नोक्रेक, डिब्रू साइखोवा, नन ऑफ दीज, क्या मार्क करके आएंगे आप बताइएगा, नन ऑफ दीज क्या मार्क करके आएंगे, अब तो मार्क कर देंगे नोक्रेक कि अभी भी दिक्कत है भाई। सिमसांग रिवर अभी आपको तो बता दिया है, अगर दूसरा नहीं भी पता तो सिमसांग मार दीजिएगा। जायंट फ्लाइंग स्क्विरल आपका एंडेमिक मिल जाएगी इसी एरिया में, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल इसी एरिया में आपको एंडेमिक मिल जाएगी, तो नोक्रेक मार करके आइएगा। आपसे विनती है, निवेदन है, सिमसांग रिवर है, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है, देख लीजिए आप फिर से एक बार, ये आपका गारो हिल्स पे है, टूरा रेंजेस याद रखिएगा, टूरा रेंजेस गारो हिल्स पे, टूरा रेंजेस आपको दिख जाएंगे, उसी से संबंध रखते हैं नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। और कोई नदी का अगर नाम पूछेंगे तो सिमसांग रिवर है, याद रखिएगा, रख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आइए स्वागत है आपका द
दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग। अच्छा हमको याद आ रहा है, हमको याद आ रहा है कि हमने आपको रिवर से पढ़ाई थी। आई टोल्ड यू दैट द ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स द टेरिटरी इन द नेम ऑफ दिहांग, इन द नेम ऑफ दिहांग। पर अभी अभी हम भूल गए कि इधर कोई माउंटेन पीक था, इधर कोई माउंटेन पीक था, हम भूल गए, हमको याद नाम नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज इसका नाम याद दिला दीजिए। एक पीक था वहां पे जहां से आपकी एकदम यूटर्न लेके ब्रह्मपुत्र रिवर वॉज टर्निंग डाउनवर्ड्स। वॉट इज दैट पीक कॉल्ड? वॉट इज दैट पीक कॉल्ड? एनीवन आउट देयर हु कैन प्लीज लेट मी नो, एनीवन? स्वागत है आप सभी का, बताएं। नमचा बरवा, नमचा बरवा, बहुत बढ़िया, नमचा बरवा है। अच्छा इधर नमचा बरवा है तो इंदस के पास कौन था? अगर इधर नमचा बरवा है तो इंदस के पास कौन था? इंदस के पास कौन था? अगर यहां नमचा बरवा है तो इंदस के पास भी तो कोई था। वहां पे शायद, शायद कौन था वहां पे? अगर यहां नमचा बरवा था तो वहां पे, एकदम सही जवाब आ चुका है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। सो दीज टू सिंटैक्सिकल बेंड्स आर बीइंग मेड एट, वन एट इंदस नंगा पर्वत एंड अदर एट ब्रह्मपुत्रा नमचा बरवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप नीचे घुसेंगे तो आपका दिहांग नाम है और एक नदी आपको जुड़ जाएगी जिसका नाम है दिबांग, दिबांग। आइए, दिहांग जुड़ गई, दिबांग जुड़ गई। इस पूरी एरिया का नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। पर पहला आपसे प्रश्न है, क्या दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को? देखिए बार बार इतना बोलेंगे कि आपके यहां बैठ जाएगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा भूलने का। क्या दिहांग दिबांग मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है या नहीं है? दिहांग दिबांग बताइए, कौन बताएगा, कौन बताएगा? बहुत लोग बता सकते हैं इसका आंसर। आई नो यू कैन ऑल लेट मी नो दिस, यू नो दिस, यू नो दिस। दिहांग जुड़ती है, दिबांग जुड़ती है, जल्दी बता दीजिए। तो क्या हो सकता है यहां पे? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंश जी का कहना है नहीं है सर, साक्षी जी का कहना है नहीं है। कोई कहना चाहेगा कि हाँ सर दिहांग दिबांग दिबांग मैन एंड बायोस्फीयर का प्रोग्राम है? अरे थोड़ा सा सीख ले लीजिए। आइए आपसे हम कुछ बात करते हैं, आराम से देखिए आप इसको, आराम से देखिए। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको कौन सा दिख रहा है आप खुद मार्क कर लीजिए। अच्छा मुझे एक नॉकरेक, आई सॉ दिस नॉकरेक, हमें एक नॉकरेक दिखा, हमें कंचनजंगा दिख रहा है, पर सिक्किम में हमें पता है। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर का प्रोग्राम का पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे, आप खुद देखिए भाई। नीलगिरी पता ही है हमें, क्या गल्फ ऑफ मन्नार सुंदरबन इधर हो गया, नंदा देवी हमारा वेस्ट पे चला गया, नौकरेक ही बच रहा था वहां पे। पंचमढ़ी नीचे है, सिमलीपाल आपने देख रखा है, अचानक हमारा अमरकंटक अभी आप देख लेंगे, ग्रेट निकोबार नीचे है, अगस्तमलाई नीचे है, कंचनजंगा सिक्किम में हो गया। तो मतलब, मतलब नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कोई है तो वो बस एक ही है, वो बस एक ही है जिसका नाम है नॉकरेक। क्लियर हो गया, नॉकरेक मिल गया आपको। ये तरीका है चीजों को याद करने का, जो कर सकेगा बहुत अच्छा है, जो नहीं कर सकेगा उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी। आइए, अगर हम आपसे बोले कि यहां पे दिहांग रिवर भी है, यहां पे दिबांग रिवर भी है, यहां पे लोहित रिवर भी है, तो आपका क्या कहना होगा, आपका कहना क्या होगा? क्या ये तीन नदियां कहीं आसपास इसमें बह सकती हैं या नहीं बह सकती हैं? आपका क्या कहना है? क्या दिहांग दिबांग लोहित, हमने आपको बताया था पूरा मैप, अगर आप भूल चुके हैं तो फिर से हम आपको दिखा दें, एक बार थोड़ा सा समय दीजिएगा। आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्लेन यू समथिंग्स। हमने आपसे वादा किया था कि मैप में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप देखिएगा, आपकी जब नदी निकलती है, दिस इज योर दिहांग जॉइंड बाय योर दिबांग जॉइंड बाय योर लोहित, दिबांग लोहित। और नीचे चले जाएंगे क्या मिल जाएगा? बूढ़ी दिहांग। और नीचे चला जाएगा तो बूढ़ी दिहांग मिल जाएगा। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट, आपकी दिहांग दिबांग लोहित इसका पार्ट होने वाली है, इसका पार्ट होने वाली है। बहुत बढ़िया, जिनको पता था आई वुड से थैंक्स टू देम कि आप याद रख रहे हैं चीजों को, जिनको नहीं पता था अभी याद कर लीजिए, कल मौका नहीं आएगा, आज का मौका है, पूरा उठाना, पुराना उठा के सीरीज देख लीजिए एक बार, सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तैयार हो गया, आइए दो नाम याद रखिएगा। इस दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में क्या प्रोटेक्टेड एरिया शामिल है?
तो अगर आता है दिबांग वायलेट सेंचुरी तो आपके लिए बड़ा आसान है कि भाई दिबांग नाम तो मिल ही रहा है तो होगा ही होगा। पर अगर वो पूछते हैं आपसे माउलिंग माउलिंग नेशनल पार्क, तो आप क्या बोलेंगे? आपको हां बोलना पड़ेगा। माउलिंग नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। माउलिंग नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसको याद रखिएगा। हम आपको फिर से एक चीज दिखा दें, आप लोगों को याद होगा मौका इंटंकी, ऊपर क्या था नामेरी पखुई, और इधर था आप गए थे माउलिंग के पास, आप गए थे माउलिंग से, आप देखे थे तीन नाम हमने निकाला था, माउलिंग आपको दिख चुका है। क्लियर हो गया सबको? माउलिंग याद हो गया, डिब्रू साइखोवा नाम डफा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्या नाम डफा नेशनल पार्क, नाम डफा नेशनल पार्क क्या दिहांग दिबांग का पार्ट है? क्या नाम डफा नेशनल पार्क दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? क्या ऐसा कहना उचित होगा? What do you feel? Is your Nam Dafa National Park a part of the Hang Dibang Reserve, Biosphere Reserve? कौन बोलेंगे हाँ? कितने लोग बोलेंगे हाँ? बता दीजिए जल्दी से, कितने लोग हाँ बोलने वाले हैं कि Nam Dafa इसका पार्ट है? अच्छा नो बोलेंगे, दीपा जी नो बोलती हैं, विजय जी नो बोलते हैं, तनु जी यस बोलती हैं। अच्छा चलिए अब हम आपको दिखाते हैं नाम डफा कहाँ है। नाम डफा यहां है। अब जो बोल रहे हैं कि हाँ ये इसका पार्ट है, अब आप बताइए कि पार्ट आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। अरे नाम डफा ये रहा, एक पास आपको याद दिलाए थे चंकन पास, नाम याद है सब भूलते जा रहे हैं चंकन पास। देखिए हम बार बार इतना बार बोलेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो इसको रेगुलर फॉलो कर रहा है उसको मैप दिमाग में बैठा देंगे। चंकन पास ये रहा, नाम डफा ये रहा, ये है दिहांग दिबांग, कहां मिलेगा, कहां इसका पार्ट होगा, हाउ कैन दिस बी पार्ट। अच्छा डिब्रू साइखोवा ये है, डिब्रू साइखोवा ये है, ये भी इसका पार्ट नहीं हो सकता। भाई डिब्रू साइखोवा अपना अलग बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू साइखोवा इज अनदर बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये इन सबका किसी का पार्ट नहीं होगा। यहां दिहांग दिबांग बस इतना ऊपर है। हाँ आपने क्या ले लिया हमारा, माउलिंग नेशनल पार्क ले लिया, माउलिंग नेशनल पार्क आपने ले लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आप नीचे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पार्ट है। पर नामडफा दूर है, नामडफा दूर है, चंकन पास के पास है, नामडफा दूर है, चंकन पास के पास है, और आपका डिब्रू साइखोवा ये रहा। कितने लोगों को याद हो गया है? बहुत बढ़िया, जिनको याद हो गया कोई बात नहीं, जो याद भूलेंगे हम याद दिला देंगे आपको, आखिर इसी के लिए हम आपको मैड और मैप करा रहे हैं। याद हो गया आप लोग सबको? आइए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन टू सेंस। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का इंपॉर्टेंस यह है कि आपका दिख सकता है यहां मरीन नेशनल पार्क जो है, मरीन नेशनल पार्क है, इसी एरिया को ब्रॉड करके पूरा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। मरीन नेशनल पार्क है आपका यहां पर, हमने आपको लिखाया भी था मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, इसी का आप जब बड़ा पार्ट देखेंगे, दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप देख सकते हैं धनुषकोडी आपका ये रहा, पम्बन आइलैंड ये रहा, यहां पे यही आपका पूरा गल्फ ऑफ मन्नार आइलैंड है, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार एरिया है, विच इज अगेन अ बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा यहां पे मिलती है एक स्पीशीज, यहां पे मिलती है एक स्पीशीज जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज ड्यूगोंग, ड्यूगोंग सी काऊ, ड्यूगोंग सी काऊ मैमल है, ड्यूगोंग सी काऊ मैमल है। प्रश्न आया था सी काऊ है तो मैमल ही होगी। अच्छा ड्यूगोंग का भी लोग क्या करते हैं, आपसे बहुत बार ये प्रश्न आया है कि आखिर ये क्या है, क्या किस लिस्ट में है। तो ड्यूगोंग एक जमाना था कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, पर चूंकि अब हम IUCN रेड लिस्ट को फिर उठा के देखते हैं, देखिएगा IUCN इज योर ऑर्गेनाइजेशन That gives you red list, एक red list देती है। इस red list में वो चिन्हित करती है कि कौन endangered है, कौन vulnerable है, कौन critically endangered है, कौन near threatened है, कौन lost हो गया है, कौन extinct हो चुका है, ठीक है। तो ये एक कुछ tag देती है। dugong के ऊपर अगर प्रश्न आए तो ये आपका IUCN red list में vulnerable है, vulnerable है मतलब कुछ खतरा है, vulnerable है, और ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में है, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पढ़ लीजिएगा, इस बार प्रश्न आने वाला है, बहुत चेंजेस हुए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कुछ तो इंपॉर्टेंट लगेगा 2022, और आप करंट अफेयर्स प्रोग्राम इसको देख लीजिएगा। आइए शेड्यूल वन में है, तो ये दो चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि ये शेड्यूल वन में है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट इज ऑल्सो हैविंग दिस IUCN IUCN स्टेटस ऑफ वल्नरेबल होगा। ठीक है, अब आप हमको कमेंट करके नीचे बाद में बताइएगा नीचे कमेंट करके। अच्छा, नीचे जो कमेंट करना होता है उसका मतलब समझ लीजिए, ये जो नीचे आप कमेंट करते हैं ना यार, लाइव चैट नहीं, नीचे कमेंट करना है, दैट इज माय प्रॉमिस्ड वॉल, ये हमारा प्रॉमिस्ड वॉल है, इस पे आपको प्रॉमिस करना होता है कि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर लेंगे, और थोड़ा नाम लिख दीजिएगा ताकि हम बाद में जब रोज आपको देखेंगे ना तो हम उसको लाइक करेंगे और आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, दिस इज योर प्रॉमिस टू मी। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज करिएगा, आज आप बताइएगा हमको कि गल्फ ऑफ मन्नार में ड्यूगोंग पाई जाती है, इसका साइट्स स्टेटस क्या है, CITES। ठीक है, ये साइट स्टेटस आप बताइएगा, किस अपेंडिक्स में साइट्स के ड्यूगोंग आएगी, यहां मत बताइएगा, नीचे बताइए कमेंट्स में किस अपेंडिक्स में आएगी, ये हमें जानना है। आइए आगे चलते हैं, और अब आपके सामने स्वागत है। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार आपका पार्ट था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का, ये आपने देखा होगा, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, देखिए गल्फ ऑफ मन्नार ये रहा। ठीक है, आइए अब आपका स्वागत है, दिस इज योर अचानक अमरकंटक, और ये बिल्कुल आपके बॉर्डर पे है, आपके पूरा बॉर्डर पे देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एकदम बॉर्डर पे है अचानक अमर अमरकंटक, एकदम बॉर्डर पे है। तो प्रश्न इसमें सब क्या बन सकता है, थोड़ा सा हम लोग ढूंढ लेते हैं। आइए, ये डेक्कन प्लेट्यू में भी पड़ेगा और सेंट्रल हाईलैंड में पड़ेगा, इसका रीजन एकदम साफ रीजन दिखता है, ये बड़ा एरिया है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल हाईलैंड का भी पार्ट छू लेगा और डेक्कन प्लेट्यू का भी छू लेगा। तो ये अगर प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जो डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड में लाई कर सकता है, तो ये आपका अचानक अमर अमरकंटक है। अच्छा देखिएगा, इसका लगभग आप देखेंगे तो टू थर्ड ऑफ द एरिया इज इन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो बाकी का एरिया आपको दिख जाएगा हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्साइट रिजर्व है, नागपुर भंडारा छिंदवाड़ा बालाघाट, ये क्वाड हमने आपको बताया था, क्या याद है सबको, एक क्वाड हमने आपको बताया था, क्वाड नागपुर भंडारा छिंदवाड़ा बालाघाट याद आ रहा है, नहीं याद आएगा, बताइएगा। एक्चुअली जब हम बंद करेंगे सेशन ना तब आएगा आपके पास कमेंट का, अभी नहीं आएगा। ये क्वाड याद है, इतना क्वाड हमने आपको याद दिला दिया जितना हिंदू में नहीं आता होगा, उतना बार हमने आपको क्वाड दिखा दिया, हर चीज में हमने आपको क्वाड दिखा दिया। क्या आपको एक क्वाड याद है, छिंदवाड़ा बालाघाट नागपुर भंडारा, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका बेल्ट था, फेमस फॉर योर बॉक्साइट आल्सो आपको याद होगा। देखिएगा, तो बॉक्साइट आपको यहां मिलता है, बसाल्टिक लावा भी मिलता है, और आप समझ सकते हैं, आप खुद देखिएगा अमरकंटक है क्या आसपास, क्या अमरकंटक दिखता है किसी को, अमरकंटक दिखता है किसी को यहां पे, अरे आप देखिएगा, ये रहा आपका अमरकंटक, यही तो है, ये पूरा पार्ट अमरकंटक है। अगर अमरकंटक यहां पे है तो हमें नदियां मिल गई, अगर अमरकंटक हमें मिल गया तो हमें नदियां मिल गई कि अचानक अमार अमरकंटक में क्या नदियां हो सकती हैं। तो आइए, आपका स्वागत है, नदियों के नाम पे तो क्या नर्मदा नहीं है, तो क्या सोन नहीं है, या फिर जोहिला नहीं है, ठहरिएगा, नर्मदा अमरकंटक से निकली, सोन गई ऊपर की तरफ, जोहिला जाके जुड़ती है सोन में, याद रखिएगा, जोहिला इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, सोन की ट्रिब्यूटरी एक बार फिर से देख लीजिए, आप सोन को ऐसे बनाए थे, आपको याद होगा, जोहिला वॉज ज्वाइनिंग लाइक दिस, यहां से गोपद जुड़ती थी, यहां से रिहंद जुड़ती थी, यहां नॉर्थ कोयल जुड़ती थी, तो जोहिला और सोन का जो इमर्जिंग पॉइंट है वो तो अमरकंटक ही था, अनुपुर था, यही आपका अमरकंटक प्लेट्यू है। तो अगर पूछा जाए कि क्या अचानक हमारा अमरकंटक से कोई नदियां बेहतरीन निकलती हैं, अरे सर बिल्कुल निकलती हैं, नर्मदा निकलती है, जोहिला निकलती है, सोन निकलती है, ये सब तो निकलती है इस रिजर्व से, देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद हो सकता है। अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, अब पूरा देखिएगा, हमारे भारत में सबसे ज्यादा ड्राई डेसिडुअस ही पाया जाता है,
तो आप देखेंगे पूरा जो मिड वाला पार्ट है ना ट्रॉपिकल डेसिडुअस है हमारे, पूरा ड्राई डेसिडुअस वाला है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस पार्ट हमारा आपको दिख जाएगा। दिस इज योर 63% ऑफ दिस एरिया। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व है, अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए आगे चलते हैं। स्वागत है नंदा देवी में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां मिलेगा? सब लोग का कहना है कि सर पेरेनियल, जिसमें पानी हमेशा रहे, जो कि ग्लेशियर से मिल्ट करती हो, नदी का भी पानी जुड़ जाए और उसमें बरसात का भी पानी जुड़ जाए। नॉन पेरेनियल जो होती है इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू नहीं रह पाती, बेचारों का स्ट्रीम कम हो जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है सिर्फ आपके बरसात पे। उत्तराखंड में स्वागत है आप लोगों का नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, अब नंदा देवी नेशनल पार्क तो आपने देखा था, आज देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें दो नेशनल पार्क आते हैं। एक आता है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और एक आता है आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये दोनों आते हैं आपके, देखिएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, और ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नंदा देवी ही का पार्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, एकदम उसी के सटा हुआ है, उसी के फुट पे होगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और ये दोनों ही यूनेस्को द्वारा निर्धारित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। अच्छा भैया नदियों की कमी नहीं है, आपको अलकनंदा से लेके आपका धौली गंगा से लेके पिंडार गंगा नंद सब कुछ आपको यही मिलने वाला है, तो इसी पार्ट में आपका सब कुछ लगभग मिलने वाला है। आप आगे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे ना तब आपको यमुनोत्री मिलता है, यमुनोत्री यहां मिल जाएगा। भागीरथी आप देख सकते हैं यहां से निकल रही है, भागीरथी देखिए यहां से, अलकनंदा आपका यहां से निकल रही है, तो आपको लगभग अलकनंदा धौली गंगा सब इसी पार्ट में दिख जाएगी आपको। हाँ भागीरथी हो गई, अच्छा मंदाकिनी आपकी लगभग इस पार्ट से निकल जाएगी। सो दिस नंदा देवी अगर बायोस्फीयर रिजर्व का बात करें तो अलकनंदा धौली गंगा मेजरली आर पार्ट ऑफ दिस। और क्या क्या है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क है, इतना बस याद रखिएगा, कर सकते हैं। पंच प्रयाग तो आपको याद ही हो गया, जिनको याद नहीं है एक बार बता दें हमको फट से, तो बता दे, तो विष्णु प्रयाग बता दीजिए, तो विष्णु प्रयाग का बताइए कौन कौन जुड़ेगा, सब लोग भूल चुके हैं लग रहा है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और बताइए, कर्ण प्रयाग बताते चलिए, रुद्र, देव, आइए विष्णु में कौन जुड़ा के, ये सारी अलकनंदा से जुड़ेंगे आके, अलकनंदा ये बह रही है। विष्णु प्रयाग कौन जुड़ा, धौली गंगा। नंद प्रयाग कौन जुड़ा, नंदाकिनी, नंदाकिनी जुड़ी। अच्छा कर्ण प्रयाग, पिंडार, पिंडार कर्ण, पिंडार अर, देखिएगा रुद्र में कौन जुड़ी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, और देव में कौन जुड़ी, भागीरथी। बन गया आपका पंच प्रयाग, आगे कि नहीं वजन, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, अभी बायोस्फीयर रिजर्व और आएंगे, चिंता मत करिए, अभी बहुत सारा कुछ हमें करना है मैडवर मैप्स में, चिंता मत करिएगा, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और आपसे इजाजत लेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है, जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वही हमारा एक फ्यूल है, जैसे आप ये समझ रहे ना कितना एनर्जी से आई एम ट्राइंग टू गिव यू, दैट इज माई एनर्जी दैट आई टेक फ्रॉम यू ऑल, तो थोड़ा सा एनर्जी हमें भी दीजिएगा। प्लस अगर आपको लेना है तो 433 पर मंथ होता है, आप जैसे सीएमसी लगाएंगे आपका हो जाएगा 3899, आइकॉनिक 6208, आप जैसे सीएमसी लगाएंगे आपका हो जाएगा 5587 पर मंथ, और ऑप्शनल आपका 2292 पर मंथ होता है। तो ज्योग्राफी जिनका भी हो तुरंत संपर्क कर ले, सीएमसी आप जैसे लगाएंगे आपका हो जाएगा 2063 पर मंथ। बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 30 तारीख को एक बैच स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से, तो आप देखिएगा इसमें मिशन वन ईयर भी है, लक्ष्य भी है। सीएमसी कोड लगा के आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और कोई भी आप पार्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छा भी ऑफर चल रहा है। इवनिंग क्लास है, बिल्कुल है, सारी क्लासेस है, देख सकते हैं यहाँ पे लगभग बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स हैं, आपका रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं, इनरोल हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है मौका। स्टोर हमारा खुल चुका है पूसा रोड पे, ओल्ड अजय नगर में, दिल्ली में, आप इसको अटेंड कर सकते हैं, और जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आई वॉन्ट योर प्रोमिसेज दैट यू वॉन्ट टू यू विल स्टडी हार्ड जेन्युइनली। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज हमारी चलती है, 15 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको करते रहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इनरोल कर सकते हैं, 10 बजे होता है, और आपकी फ्री मेगा टेस्ट सीरीज चलती रहती है, हिंदू आपका वेंसडे को, सीसेट आपका सैटरडे को है, आप इसको 15 क्वेश्चन 15 मिनट में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।